और एक ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर से है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देर रात से ही कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के जहां पर लगातार बारिश हो रही है। अब ऐसे में दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट यानी कि जो समस्या है उससे अभी भी निजात नहीं मिलने वाला है। कई सारी सड़क ऐसी है जो अब भर चुकी है। नोएडा में भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। और किन्नौर की तरह ही शिमला से भी पहाड़ खिसकने का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और वहां से भागते दिखे, क्योंकि उनके सामने ही जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद वहां पर धूल का गुबार उड़ गया और वहां पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना का अंदेशा वहां से गुजर रहे लोगों को पहले ही हो गया, इसलिए वो लोग अलर्ट हो गए और घटना वाली जगह से थोड़ी दूर हट गए। बाद में उनके सामने ही पहाड़ का मलबा भरभराकर सड़क पर गिरने लगा। गनीमत ये रही कि कुदरत के इस कहर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और उधर मध्य प्रदेश के देवास में लगातार हो रही बारिश के बाद काली सिंध नदी में उफान आ चुका है। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में आया एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। गनीमत रही कि उसे वक्त रहते वहां खड़े लोगों ने बचा लिया, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। हाट पिपरिया तहसील इलाके में तो हाल ऐसे हो गए कि नदी पुल के ऊपर से बहती दिखी, जहां एक बाइक सवार फंस गया। वहीं खाते गांव में काली सिंध नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद वहां के लोग घर में रखे अपने सामान को बचाते दिखे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बावजूद वो अपना सारा सामान सुरक्षित जगह पर नहीं ले जा पाए और काफी सारा सामान सैलाब में बह गया। ये हाल देवास में तब देखने को मिला जब सिर्फ 2 से 3 घंटे की बारिश ही हुई। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी पहाड़ से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों ने लोगों को दहला कर रख दिया। वहां से भी पहाड़ टूटकर गिरने का एक वीडियो सामने आया और इस घटना के बाद वहां रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और वहां रहने वाले लोग डर से सहम गए, क्योंकि इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ ही सेकंड में उस पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया, जिसकी वजह से वहां धुआं धुआं हो गया। पहाड़ खिसकने की वजह से उस रास्ते पर छोटे छोटे कई पत्थर इकट्ठा हो गए, ऐसे में वो रास्ता बंद करना पड़ा। बताया गया कि जिस जगह ये पहाड़ खिसका वहां पर कई लोगों के घर भी बने हुए हैं। ऐसे में जब उन लोगों ने एक खौफनाक नजारा देखा तो वो डर गए। जहां पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों पर जान का खतरा बढ़ गया, तो वहीं रास्ता बंद होने से भी लोगों को काफी परेशानी हुई। और जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ खिसकने से वहां हड़कंप मच गया। रियासी के बुद्धल महोरे रोड पर अचानक से ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे की ओर तेजी से गिरता हुआ दिखाई दिया, जिससे बुद्धल महोरे रोड पर पहाड़ का मलबा इकट्ठा हो गया और वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के बाद पहाड़ से पानी के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें तेजी से नीचे की तरफ आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आकर एक पुल बहता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहाड़ से गिर रहे पानी के साथ हजारों टन मलबे ने उस पुल को पलक झपकते ही धाराशाही कर दिया। देखते ही देखते वहां से पुल का नामो निशान मिट गया। इसके बाद पानी के साथ मिट्टी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बहती दिखी। ऐसा लगा मानो वहां कोई झरना फूट पड़ा हो। पुल के ध्वस्त हो जाने से उस इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया। बीते करीब 20 दिनों से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आसमान से बरसी आफत ने ऐसी ही तबाही मचाई। सड़कें, पुल और लोगों के घर सैलाब के साथ बह गए।